जी हम स्कूल जाते थे और स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को। तो जो कोरोना काल था, कोरोना काल में पढ़ाई प्रभावित हुई, उस समय से तुम कैसा क्रम बना रहे हैं पढ़ने का कि जो आज तक तो सफलताएं पहुंची? जी हम कोरोना काल में भी 5 से 6 घंटे ही पढ़ते रहे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे अपने टीचर से, और जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता था तो वो हम पर्सनली अपने टीचर से पूछ लेते थे, और कुछ हमने यूट्यूब्स की वीडियोस भी देखी जिसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ उसमें हमने यूट्यूब्स की वीडियो का भी सहारा लिया, और अभी तक मैंने कोई कोचिंग नहीं की। आपके स्कूल के बारे में बताइए। जी हमारे जो हमारा एक्सीलेंट स्कूल है नंबर वन जैसा कि उसका नाम है वैसे ही, मतलब वहाँ पर पढ़ाई होती है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट भी किया और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ। कितने नंबर मिले हैं आपको? जी हमें मैथ में 100 मिले हैं और साइंस में भी 100 मिले हैं, और इंग्लिश में 98 हैं और SST में भी 98 हैं। वैसे स्कूल आना जाना कैसे होता था? जी हमारा स्कूल आना जाना हम साइकिल से जाते थे रोज 5 से 6 किलोमीटर। अपने तरह के बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे कि आप जितना पढ़ें कंसिस्ट रहें अपनी पढ़ाई के प्रति, मतलब डेली पढ़ती रहें। परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिलता था आपको? सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी बड़ी सिस्टर का रहा हमारे परिवार में, हमारी पढ़ाई में। वैसे तो हम तो इतने काम में ज़्यादा ही बिजी रहते थे, वो हमारी जो बड़ी बच्ची है उसी ने लोगों को बर्बाद पढ़ाया है, उसी ने सभी को अंदर से मतलब प्रेरणा दी पढ़ने के लिए। जो बड़ी दीदी हैं उन्हीं ने सबको वो किया है। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी जो है उसने MP में टॉप किया है, पूरे मध्य प्रदेश में आपका, आपके परिवार का, इस गांव का नाम रोशन कर दिया? लग तो अच्छा ही रहा, हमारे परिवार वालों को भी अच्छा लग रहा, और ऐसा है कि थोड़ी खुशी की बच्ची है हमारी, उसी ने छोटे दीदी बहनों को अपनी उन्हीं ने सबको कहा है कि अपन लोगों को ऐसा। कितने घंटे पढ़ती थी एनसी? हम तो काम इतना करते हैं हमें कुछ इतना पता ही नहीं रहता, सही बताएं हम तो रात को जगते तो पढ़ती मिलती, और दिन में जैसे हम काम करके आते तो पढ़ती मिलती। हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, मतलब ये तो था कि रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आएगा, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी वो टॉप कर ली ही लेगी, मतलब लग तो रहा था वो टॉप करेगी क्योंकि बचपन से ही वो टॉप करती आ रही है, तो लग रहा था कि वो 10th में मतलब टॉप करती ही आएगी। मतलब कि पापा ने, मतलब बचपन में हम लोग छोटे थे तो पापा मतलब काम करके आते थे, फिर हम लोग को स्कूल से घर छोड़ते थे, फिर वो वापस जाते थे, मतलब उन्हें मतलब बहुत सपोर्ट किया उनका था कि वो स्टार्टिंग से पढ़ाएं सबको। गाँव की स्थिति क्या है, मतलब गाँव बता रहे थे अभी आपके बच्चे जो है वो 8वीं तक ही पढ़ते थे आगे? हाँ मतलब कि जो हम लोग के पहले, मतलब हम लोग से बड़ी लड़कियाँ थी, मतलब वो 8 तक ही पढ़ती थी, उन्हें बाहर जाने नहीं मिलता था कि बाहर जाओगी कुछ हो जाएगा, जाओगी तो कैसे जाओगी, साइकिल इतनी दूर तक कैसे चला के जाओगी, ये सब रहता था, गाँव की मेंटेलिटी ऐसी थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो हो गया है, मतलब कि सब आगे होता गया है, मतलब अब सबने कर लिया, मतलब अब सब थोड़ा मतलब कि देखने, पहले मतलब ऐसा कोई नहीं था कि पढ़ने के लिए, मम्मी पापा का था तो मतलब गांव के लोग भी बोलते थे कि बाहर पढ़ने क्या होता है, पढ़ लेंगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पढ़ना तो चूल्हा चौका ही है। तो आपके परिवार के ही? लेकिन परिवार का हमारा ऐसा नहीं था कुछ भी कि वो मना करे पढ़ने का, उनका था कि जिसको जितना पढ़ना है वो पढ़े।